उसमें एक आम आदमी की एक मजदूर की भूमिका से और क्या ज्यादा भूमिका हो सकती है। कोई सरकारी कारखाना कहते अगर कि नंदगंज की शुगर मिल खुलवा रहे, कहते कि बड़ौरा सूता मिल सूती मिल खुलवा देंगे, कहते कि परदहा सूतक मिल को फिर से हम चालू करा देंगे, कहते कोई नया उद्योग सरकार की तरफ से लगा देंगे, ये कहते कि गाजीपुर में नौजवानों के भविष्य के लिए हम स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने जा रहे हैं, ये कहते कि गाजीपुर में जहां 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेजेस हैं हम वहां एक विश्वविद्यालय और उसकी घोषणा करेंगे। इसकी बात कही जा रही है, सांसद होने के नाते क्या रिएक्शन आएगा इस समिट पर? नहीं, हमें अजीब लगता है कि जिस तरह से सरकार अपनी इस योजना का ढिढोरा पीट रही है और दुनिया के सारे देशों में लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, आइए और पैसा लगाइए, देश में लगाइए, उत्तर प्रदेश में लगाइए, और उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कह रहे हैं हमारे सारे अधिकारियों को ये दिशा निर्देश है कि आप उद्यमियों से कहिए पैसा लगाएं। सवाल ये है कि अभी कोरोना बीता है तो उद्यमी हैं उनकी तो कमर टूट गई, कल कारखाने बंद पड़े, रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं रहा। बड़े बुलंदी से एक मंत्री जी कह रहे थे इतने रोजगार के अवसर मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। ये कैसे अवसर होंगे? ये देश के पूंजीपतियों को सरकारी सुविधाएं प्राप्त प्रदान करके और उनसे जो सरकार का तालमेल बने उनसे किसी तरह का कोई भी कारोबार कराएं, उसमें एक आम आदमी की एक मजदूर की भूमिका से और क्या ज्यादा भूमिका हो सकती है। कोई सरकारी कारखाना कहते अगर कि नंदगंज की शुगर मिल खुलवा रहे, कहते कि बड़ौरा सूता मिल सूती मिल खुलवा देंगे, कहते कि परदहा सूतक मिल को फिर से हम चालू करा देंगे, कहते कोई नया उद्योग सरकार की तरफ से लगा देंगे, ये कहते कि गाजीपुर में नौजवानों के भविष्य के लिए हम स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने जा रहे हैं, ये कहते कि गाजीपुर में जहां 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेजेस हैं हम वहां एक विश्वविद्यालय और उसकी घोषणा करेंगे। आपको याद होगा जिस दिन जेपी नड्डा साहब आए थे मैंने गाजीपुर की जनता